दोस्तों, मैं हूँ काशिफ सना, मैं चैनल देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग। इसमें जो है इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टोटल स्टेशन के बारे में। टोटल स्टेशन क्या होता है और वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल स्टेशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, टोटल स्टेशन थर्ड लाइट की तरह होता है, लेकिन उसमें ना डिस्प्ले वगैरह नहीं होता, डिस्प्ले वगैरह नहीं होता। थर्ड लाइट की तरह टेलीस्कोप ही होती है टोटल स्टेशन में, जिसके हम वो रीडिंग पढ़ के उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। और ये इस्तेमाल उस जगह की जाती है जहाँ पर सड़कें वगैरह बन रही हों, ज़्यादा सड़कों में ये इस्तेमाल की जाती है। ये थर्ड लाइट ना ज़्यादा टोटल स्टेशन सड़कों में इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इससे नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इससे ज़्यादा नहरें वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए बिल्डिंग वगैरह की लेवलिंग करने के लिए थर्ड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर टेलीस्कोप ये टोटल स्टेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमें सड़कों की रीडिंग लेनी चाहिए ली जाती है। तो आज मैंने आपको बताया टोटल स्टेशन के बारे में। टोटल स्टेशन भी थर्ड लाइट की एक किस्म ही है, लेकिन डिस्प्ले इसमें नहीं होता, बस इसे वैसे इस्तेमाल करते हैं सड़कों में बेयरिंग निकालने के लिए, बेयरिंग फोर बेयरिंग और कैलकुलेशन निकाल के फिर और लेवल उसका सड़क का बराबर करके, उसका सड़क का लेवल बराबर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़्यादातर सिविल इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं, बाकी मैकेनिकल इंजीनियर केमिकल इंजीनियर के लिए ये प्रोडक्ट फजूल है। और आज के टॉपिक में मैंने आपको ये बताया, टोटल स्टेशन आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो गया। तो अगले लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट किसी और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, या सिविल इंजीनियर किसी और काम के बारे में आपको मैं ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और इसी खुशी में ये मेरा